नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। जनपद मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में किसनी पुलिस पर स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। हत्या के आरोप में 12 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी पुलिस बस स्वाट टीम 12 वर्ष से फरार चल रहे 25,000 के इनामी जितेंद्र कुमार शर्मा को काफी लंबे समय अरसे के बाद कठिन प्रयास के बाद उसके गांव के पास से धर दबोचा गया। पकड़े गए अभियुक्त जितेंद्र शर्मा ने पुलिस को पूछताछ में बताया, 2007 में 15,000 के लेन देन में उसने अपने दोस्त पप्पू उर्फ अजय चौहान निवासी खरपरी ने राम प्रकाश निवासी खरपरी की हत्या कर दी थी। पप्पू उर्फ अजय को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया था और वह तभी से फरार चल रहा था। पकड़े गए इनामी हत्यारोपी के पास पुलिस ने 315 बोर का तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। 2007 में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त तब से लगातार फरार चल रहा था। हम लोगों ने जो पुराने फरार अपराधियों जो इनाम घोषित किए हैं उन पर एक अभियान चला रखा था, उसी के तहत जितेंद्र शर्मा नाम के अपराधी की आज गिरफ्तारी हुई है। 25,000 का इनाम घोषित था। इसके लिए हमारी टीम को प्रदेश के बाहर जनपदों में जाना पड़ा, जिसमें हरियाणा और दिल्ली तक हमारी दबिशें गई। उसके बाद आज सफलता हमको मिली है। सर, किसकी हत्या की गई थी? छोटे से एक बहुत कम अमाउंट के विवाद के लिए, आपसी विवाद में ये हत्या की थी। दो लोगों ने मिलकर एक तीसरे व्यक्ति की।